स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द सेम एक्सरसाइज 5.3। सो क्वेश्चन इज हियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स करेंगे हम लोग, बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस, अब देखिए एक बार लिख लीजिए, डी बाय डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाय डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स 100। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंपल सी है, 2x हो जाएगा प्लस एक्स कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल पर काम होगा, डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट रहेगा, डी एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए 2y एंड y लगा हुआ है तो डी वाई बाय डी एक्स दे देंगे, और डी बाई डी एक्स 100 है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। और अब क्या करना है, एक्स वाई देखिए 2x प्लस वाई एक साथ रख लीजिए लाइक टर्म को, अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पर है उसको एक साथ करते हैं तो x प्लस 2y कॉमन हो गया और हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आराम से क्या कर सकते हो आप, x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू उधर कर लीजिए तो माइनस 2x प्लस वाई, सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y आंसर हो गया। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन पर तो आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल को ध्यान में रखिएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में मोर देन टू वेरिएबल्स।